Hello and welcome to the channel Dhoom 2 है भाई 2 है 3 नहीं है 3 में आमिर खान सर थे और 2 में है ऋतिक रोशन एंड दिस इज द डायमंड रॉबरी सीन ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय थे दोनों चोर होते हैं और क्या कमाल की चोरी करते हैं इस टेक्निक से चोरी करते हैं लेकिन ये डायमंड रॉबरी है मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है बहुत पहले मूवी देखी थी मैंने जिसे सॉन्ग भी था ना क्रेजी किया रे तो ये लेकिन ये डायमंड रॉबरी वाला सीन है और बहुत सी चीजें ये चोरी करते हैं धूम में भी धूम टू में भी धूम थ्री में भी वन में जॉन अब्राहम थे तो थ्री में आमिर खान सर लेकिन ऋतिक रोशन की मतलब कहा जाता है कि ये मूवी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि उनकी जो एक्टिंग थी ना ऊपर से मतलब एक जबरदस्त एक्टिंग थी जिसमें वो बाइक चलाना चोरी करना और ऐसे मतलब सीन्स एक्शन एक्शन और फाइट वाले सीन्स क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ऐसी है लुक्स ऐसी है ऋतिक रोशन सर की तो इसी तरह उन्होंने हर मूवी में जिस मूवी में आता है ना सही एक्शन और रोमांस और सब कुछ होता है बॉडी की वजह से ऊपर से ये है क्योंकि रेसिंग जिस तरीके से करते हैं ना बाइक चलाने वाला का कमाल का सीन करते हैं सीन स्टार्ट लेकिन सीन स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन ऑल पर क्लिक करते हैं लेट्स प्ले स्टार्ट कम इन यूनिट 1 कम एवरीथिंग ओके ऑन योर साइड ठीक है सही इन एक में ये पुतला ये इनके बीच में सर कैमरा और ब्लैक पट्टी पे देखो एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है मेरे ऑर्डर जैसा कहा गया है वैसा करो नहीं नहीं मैंने कोई ब्रीफिंग जो दी थी इसके अंदर भोजन आपके कोई इतना मसला नहीं अच्छा फिक्स हो गया ये चीज निकली अच्छा ये देखा था बिल्कुल देख तो नहीं रहा थी It's beautiful, isn't it? Very. लेकिन सुना है कि इसे पहनने वाली से भी ज्यादा खूबसूरत थी. Oh, absolutely. और गुस्से वाली भी. कहते हैं कि एक बार वो अपने पति मिस्टर शाहजहां से इस कदर नाराज हो गई थी कि उन्होंने ये हार उतार के फेंक दिया. And she chucked it so hard कि उसके अंदर वो जो सेंट्रल पीस है उसमें एक हीरा होता था that went missing. समझ आ गई कि ये यार नहीं है हीरा लेकर जाएगा यार क्या कमाल का सीन है अच्छा वो लास्ट पे जो अभिषेक बच्चन क्योंकि वो पुलिस से होते हैं हाँ. वो क्योंकि वो उस टाइम पे सोचा चोरी होने वाली है वो हार के पास आ जाता है तो पता चलता है हार के अंदर एक हीरा था तो अब वो अब दूसरे म्यूजियम में पता करते हैं कि अब लेकिन उधर से हीरा चोरी पहुंच चुका है लेकिन मुझे एक टेक्नोलॉजी नहीं समझ कितने मजे की कोई लेजर लाइट है ना कि उस ऑब्जेक्ट की कॉपी वर्जन कि बाकी जितने भी वो जो गार्ड्स हैं उनको यही लगे कि ना
ये यहाँ पे मौजूद हाँ। है और मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि जिस तरीके से वो एक ट्रैक के ऊपर से वो छोटी पता नहीं क्या कहेंगे मशीन कह लें डिवाइस कह लें वो चल रही होती है नजर भी नहीं आ रही होती दो चार जगह के ऊपर वो लगने वाली होती है बट ही मैनेज किया सब पीछे कर लूं और मैं निकाल लूं और लेकिन इससे एक और सीन था मुझे याद है वो था किसी वो लेजर लाइट्स होती हैं वो तलवार वाला सॉर्ड वाला सीन था यहाँ वहाँ पे दो चोर पहुंच जाते हैं ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन हाँ। साहब दोनों पहुंच जाते हैं एट अ टाइम लोग सोचते हैं एक चोर है बाद में पता चलता है दो दो चोर है और बाद में टीम बन जाते हैं और मिलकर चोरियां करते हैं और एक ट्रेन वाला सीन भी था मुझे अब याद आया मूवी का ये सीन देखने के बाद यार इसकी काफी मजे मजे की चोरियों के स्टंट्स है और अभी एक बूढ़ा बन के निकलेंगे यहाँ से ना वो कान में वो लगाया हुआ था फिर गटर में जाके उधर से किसी और वो फिर वो क्रिश टाइप एक कॉस्ट्यूम में फिर बाइक पे लेके निकल जाता है हीरा क्या कमाल की यार क्योंकि ये थोड़ी पुरानी मूवी है और उस हिसाब से देखा जाए हम आजकल की मूवीज देखते हैं ये इतना मजे का कंसेप्ट नहीं दे सकती लेकिन जितनी ये मूवी दे रही है जिस तरह एंटरटेनमेंट दे रही है एक्शन दे रही है एक्टिंग कॉमेडी सब कुछ थोड़ी पुरानी मूवीज में ज्यादा अच्छा होता था और अब कोई कोई ऐसी मूवी बनती है कि जिसको मेरा जब आप देख लो ना आप नजरें इधर उधर ना हो आप फिक्स हो जाओ मूवी के अंदर वो बहुत जबरदस्त मूवीज होती हैं तो वी एंजॉयड द होल सीन आई होप आपको भी मजा आया हो आप अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को भी करना है आपने शेयर करें व्हाट्सएप करें मैसेंजर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और अगर व्हाट्सएप या मैसेंजर नहीं भी यूज करते कोई भी ऐप यूज करते हैं बिल्कुल उस पे करते हैं लेकिन मोस्टली लोग करते हैं हां तो लेकिन आपने जरूर शेयर करना रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल लेकिन चैनल को करना है लास्ट में सब्सक्राइब गुड लक